बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट की आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई जो प्रोडक्ट है उसकी रेट दी हुई है आपको ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमें इन को करते हम क्या करेंगे ऑर्डर uh, है वो फाइंड करते हैं तो देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट रहेगा डी ए बाई डी टी यानी रेट ऑफ डिस ऑफ ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेक्शन ऑफ प्रोडक्ट यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉरी so, ये प्लस आएगा यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है ना प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डी टी अब देखो एक चीज है कि हमारे पास फिलहाल इस प्रोडक्ट का स्ट्राइक्योमेट्री नहीं है हमारे पास प्रोडक्ट का स्ट्राइक्योमेट्री नहीं है अगर स्ट्राइक्योमेट्री होता तो डिवाइड में आ जाता भाई यहां पर वन बाई अपन करके डिवाइड कर लेते अब हमारे पास एक चीज ये भी है कि जो ए है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में ए जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका स्ट्राइक्योमेट्री डेफिनेटली वन होगा ठीक है ना दोनों का स्टाइकोमेट्री सेम रहेंगे कोई चेंज नहीं रहेगा ओके तो अब हम बात करते हैं ये जो रेट है वो किसके बराबर होगी रेट ऑफ रिएक्शन यानी के बराबर होगी हो जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है तो ये डेटा आ गया हमारे पास तो भाई देखना जैसे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है के रेट कॉन्स्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ठीक है Dx dt जो जो है 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 हमारे पास गिवन देखो ये प्रोडक्ट की रेट वही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होगी क्योंकि सबके स्ट्राइक्योमेट्री वन है तो हम क्या करते हैं किन्हीं भी दो वैल्यू को पकड़ के उसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू फाइंड करते हैं देखो मैंने फर्स्ट रिएक्शन ली यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्ट की रेट ऑफ प्रोडक्ट दे रखिये आपको टेन इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव ठीक है इक्वल टू के और फिर है हमारे पास कंसन टू दावर एन ओके दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड आपको दिया हुआ है फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव इक्वल टू के फिर हमारे पास कंसंट्रेशन ए टू दावर एन ये तो चेंज ऑर्डर चेंज नहीं होगा के चेंज नहीं होगा ठीक है दिस इज आवर रिएक्शन टू अब हम क्या करते हैं वैल्यू में मैंने यहाँ पे ए छोड़ दिया लिख देना चाहिए था चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ठीक है यहां मैं इसको डायरेक्टली वैल्यू ही लिख देता हूँ क्योंकि अपना फिर वैल्यू टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये तो देखो ए की कंसेंट्रेशन गोरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव टू दावर एन और सेकेंड वाले में दी भी आपको जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव टू दावर एन क्लियर जब आप क्या करोगे इन दोनों का रेशियो ले लोगे दोनों रिएक्शन का तो हमारे पास क्या बोलेंगे ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो मैं रेशियो ले रहा हूं तो आप क्या लिखोगे यहां लिख रहा हूं मैं टेन इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव इक्वल टू के से के कैंसिल आउट देखो क्या मैं इसको ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर वन फोर लिख सके टेन टू दावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फिफ्टी इन टू यानी फिफ्टी ले लो तो अपन एक दो तीन चार हो जाएंगे ना टेन टू दावर माइनस फोर इसकी पावर आ जाएगी एन हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो देखो ये कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट ये हो गया टू यानी ये टू पकड़ा हमने इक्वल टू कितनाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी यह आ गया वन बाई टू दिस इज वन बाई टू पावर आ गई एन इसको और सॉल्व कर लेते हैं देखो टू इक्वल टू क्या इस टू को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या इसकी पावर माइनस एन हो जाएगी सॉरी, हो जाएगे. तो यहां आपको दिख रहा N to, इसकी पावर है इसकी तो तो लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर